विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत सामाजिक समरसता संत यात्रा सीहोर जिले के आज इछावर प्रखंड में सभा में संत श्री महंत विष्णुदास महाराज सानिध्य में समाज के लोगों का मार्गदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ व कपिल शर्मा राजगढ़ विभाग मंत्री और कार्यक्रम की प्रस्तावना मधुकर राव देवहारे द्वारा रखी गई। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता प्रांत प्रमुख माननीय सुनील जी यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वह सभी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व नागर के संत श्री राजेंद्र जी शर्मा, प्रशांत जी शर्मा, आनंद शुक्ला, संघ से विष्णु प्रसाद गुप्ता, ब्रजकिशोर व्यास, देवेंद्र चढ़स्या, रवि कवाड़ी व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिलाध्यक्ष जगदीश कुशवाहा, विवेक राठौर, मंगलेश अजय पटेल, सौरभ मकरिया, इछावर नगर व इकाई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इछावर नगर के धनराज यादव, आदित्य राठी, मंजीत महेश्वरी, धर्मेंद्र कुशवाहा, द्वारका प्रजापति, सुजल राठौर, संदीप अभिषेक प्रजापति, सतीश श्याम व सभी सनातनीय प्रेमियों ने धर्म सभा में अपनी उपस्थिति दी। इस यात्रा से ही बाकी की यात्राएं प्रारंभ होगी। 299 यात्राएं इस यात्रा के बाद में शोभा के का विषय हमारे राजगढ़ विभाग को जहाँ जो है सौभाग्यशाली क्षण मिले। पूज्य संतों के निर्देशन में जैसा कि अभी मधु जी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद कार्य करता है। धर्म संसद में जो भी प्रस्ताव पारित होता है जन जन तक पहुँचाना यह विश्व हिंदू परिषद का कार्य होता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस निचली इकाई जिसे हम ग्राम और मोहल्ले बोलते हैं वहाँ तक उनके उद्देश्यों को, संतों के निर्देशों को नीचे तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये तो आप सभी बातें जानते ही हैं। इस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद सतत आंदोलनरत रहा। कई कारण कई विषय आने के उपरांत भी विश्व हिंदू परिषद हताश नहीं हुआ। लोग पूछने लगे थे मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख कब बताओगे, किंतु एक दिन ऐसा भी आया कि हमने तारीख भी बता दी और फलस्वरूप आज वहाँ पर विशाल मंडप श्री राम जी का तैयार है और जिसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद को फिर एक संतों ने कार्य सौंपा सामाजिक समरसता का। आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि वर्तमान में जो सामाजिक विद्वेषता हमारे समाज के अंदर उत्पन्न की जा रही है जानबूझकर, कुछ विरोधियों के कारण भी, कुछ हमारे कारणों से भी है, किंतु अधिक वर्तमान में विरोधी तत्वों द्वारा जो हिंदू विरोधी तत्व है उनके द्वारा उत्सर्जित की जा रही है, जानबूझ के बढ़ाई जा रही है। तो